वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हे गाइस, स्वागत सबका फिर से एक नई व्लॉग पे। तो आज हम हैं जुलुक में और आज जुलुक में लास्ट डे है, हम पूरा रेडी हो चुके हैं। तो आज अभी ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। आज जाएंगे जुलुक से नादांग वैली एंड बाबा मंदिर, ओल्ड बाबा मंदिर होके फिर गंगटोक, ठीक है। और रास्ते में जो जो व्यू आएगा सब कुछ दिखाऊँगा। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू करना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इधर का व्यू भाई बहुत याद दिलाएगा, बहुत ही सुंदर व्यू है। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर करना। अभी जाके फिर टिफिन करते, टिफिन में क्या बनाया देखते, उसके बाद फिर गाड़ी में उठ के फिर निकलेंगे। और रास्ते में जो जो व्यू आएगा, बाबा मंदिर, छांगू लेक एंड गंगटोक जाएंगे फिर शाम को, तो पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। तो चलिए बहन ब्लॉग के साथ। गाइस अभी जस्ट खाना मतलब टिफिन करने आया है, ये लोग हमारे जो गैंग का है अभी खाना पीना कर रहे हैं। और खाने में दिया है रोटी सब्जी और अचार, ठीक है। तो फटाक से खा लेते हैं, फिर गाड़ी में उठेंगे, फिर जाएंगे नादांग वैली एंड ओल्ड बाबा मंदिर और किस जगह जाएगा, छांगू लेक। तो पूरा ब्लॉग को कंटिन्यू करना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो पहले खाना पीना कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलते हैं। चलिए तो गाइस अभी खाना पीना पूरा कम्प्लीट, तो हम अभी जुलूक छोड़ के जा रहा है। और ये हमारा पैकेजिंग पूरा रेडी हो गया, अभी खाना पीना पूरा कंप्लीट। और यहाँ से जाएंगे सिल्क रूट एंड नादांग वैली होके फिर गंगटोक। और ये हमारा फैमिली मतलब जहाँ पर हम रहता था अभी दो दिन के लिए। चलिए टाटा बाय बाय। और भैया के भी चैनल में सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारा भी चैनल में। थैंक यू, चलिए टाटा। सो ऑलराइट गाइस, अब लोग का जो ब्लॉगर है उसका भी तबीयत थोड़ा बिगड़ चुका है क्योंकि उसका एड्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए तुझे अक्कल है क्या बोल रही है। तो गाइस अभी हम रोड पे हैं और गाड़ी के ऊपर बस, और हमारा थोड़ा उल्टी हो गया था, उसीलिए पीछे सीट में बैठा था, उसीलिए छोड़ दिया, नहीं तो नहीं छोड़ता। और हम 5 मिनट के लिए रोका था क्योंकि बहुत ही उल्टी आ गया था। क्या है ना, मैंने मतलब रोटी नहीं खाता हूँ, तो रोटी और अचार साथ में खाया है, उसीलिए थोड़ा उल्टी हो गया। और बात क्या है ना कि एक कहावत है ना कि कुत्ता के पेट में घी हजम नहीं होता। अभी यार गजब बेइज्जती है, सही बात। हाँ मैंने रोटी नहीं खाता हूँ क्योंकि बंगाली लोग ना, भेतो बंगाली बोलते हैं इसको। तो चलिए जाते जाते और भी सीन आएगा। और इधर तो पूरा बर्फ का सीन अभी चालू हो गया है, ये देखिए पहाड़ में हम अभी जा रहे हैं, गाड़ी के ऊपर अभी बैठा है। तो जाते जाते जितना भी कर सकेंगे पूरा ऐड करेंगे, तो ब्लॉग पे कंटिन्यू करना। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अभी जाते हैं दूसरी लोकेशन पर, उसके बाद आप लोगों के साथ मुलाकात। तो कल हम यहाँ पर ही था और बर्फ में खेल रहा था, तो इधर भी और भी टूरिस्ट है, तो यहाँ छोड़ के अभी जा रहा है दूसरी स्पॉट पर, दूसरी लोकेशन पर। और वो जो बर्फ अब दिख रहा है कल यहीं पर था, और अभी आगे जा रहा है, आगे उधर आर्मी का कैंप है इधर, और इस पर है चाइना, ठीक है, और ये बॉर्डर है। तो चलिए आगे जाते जाते और भी अच्छा अच्छा सीन आएगा, उसको भी दिखाएंगे। तो कंटिन्यू करना ब्लॉग को। ये है कंचनजंगा भाई, देख के दिल खुश हो जा रहा है।
पर भूटान। अच्छा इधर है भूटान, इस पार नहीं, नीचे सब भूटान है, नीचे जो नीचे दिख रहा है ना। अच्छा सो गाइज अभी आ चुके हैं नाथांग वैली, इधर लिखा है वेलकम टू नाथांग वैली, और इधर जो सीन है ना पूरा बर्फ में छपा हुआ है पूरा पूरा सीन। और इधर का जो घर है नाथांग वैली में वो भी दिखने में ऊपर से बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए जो नाथांग वैली में जो घर है ये देखिए, और इधर पूरा बर्फ में छपा हुआ है पूरा पहाड़ तक एकदम मस्त जैसा। और ये हमारा गाड़ी है और इधर थोड़ा रोका है, इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। और बहुत ही अच्छा वेदर है, बहुत ही ठंडी हवा चल रहा है। और ये देखिए बर्फ का टुकड़ा, और ये अभी सेल्फी खींचने में बिजी है हमारा। और इधर पूरा सफेद जैसा पहाड़, एकदम पूरा पहाड़ एकदम बर्फ में छपा हुआ है। इधर अभी हमारे इंडियन आर्मी का गाड़ी आ रहा है, ठीक है वो जो दिखाई दे रहा है, और इसी रोड से जाएगा शायद। और इधर का मस्त वाला सीन एकदम, इंडियन आर्मी का गाड़ी, ओ पीछे 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 और भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये सब हम आर्मी का गाड़ी मतलब अटक करके जा रहा है। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ओल्ड बाबा मंदिर, और इधर का व्यू बहुत ही अच्छा है। और ऊपर में है वो जो ओल्ड बाबा मंदिर, तो आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करना, अभी जाएंगे ऊपर में और देखते ऊपर में क्या है। और इधर पीछे का भाई मस्त, और इधर हमारा इंडियन जवान, ये देख के मतलब फील ही अलग है। तो हम अभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, और इधर क्या क्या है वो भी दर्शन कराऊंगा आप लोगों को। तस्वीर ले सकते हैं? ये ओल्ड बाबा मंदिर का साइड दियो। तो दर्शन हो गए आप लोगों का, बाहर चले जाइए, इतना भीड़ मत लगाइए।
ज्यादा बड़ा एरिया है नहीं, छोटा सा ही है। अपना दर्शन कर लीजिए। ये है हरभजन सिंह का ड्रेस वगैरह सब कुछ है। इधर किताबों भी रखा गया है, क्योंकि हर रोज़ ये मतलब साफ़ सफाई होते हैं, हर रोज़ चेंज होते हैं, मतलब चेंज नहीं मतलब साफ़ सफाई करके रखते हैं हर रोज़, क्योंकि ये कहावत में है। इसका सैलरी अकाउंट अभी भी एक्टिव है, क्योंकि इसका सैलरी अभी भी अकाउंट में आता है। बहुत ही सुंदर है इधर नजर। और हम अभी जा रहे हैं ऊपर में। तो हम अभी ऊपर में जा रहे हैं। ये ऊपर का व्यू पूरा। और इधर आते ही ये भी बंकर है, और ये बाबा जी का और इधर आके राइट साइड में भी मूर्ति। उसका जूता ड्रेस वगैरह सब कुछ है। और इधर इसका पेट सोने का जगह। चल देखिए और इधर उसका बैच। पगड़ी टोपी और ये उसका बॉडी स्प्रे वगैरह जो भी है, ठीक है, साबुन सब कुछ है इधर। ये उसका लोगो। हाँ अभी नीचे की तरफ जा रहा है, और ये है बाहर का सीन, और इधर का नजारा एक बार देख सकते। इधर तो बर्फ है पूरा। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए,
पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। তোমার মামা লাগে পাখিরে পাখিরে বড় বেশি পাখিরে পাখি তোরে ভালোবাসি। तो अभी हम नीचे की तरफ आ गए हैं और इधर अभी प्रसाद दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं वो देखते हैं, है ना? ये मान है दाऊद टाइम से मैं मालूम ना मैं टाइम से ही भाई गवर्नमेंट की जैसे आई मेरा मान अच्छा होना चाहिए ना बीच वाला बोल अच्छा है। देखो जिंदगी दो दिन का मेहमान है, हंस के रहो हंसा के रहो। उजाला कहाँ से आता है उनकी तरफ देखो, अंधेरा खुद का पीछे है। खुशी पाने के लिए तड़पना पड़ता है, दुख पीछे पीछे आता है बिना बुलाए। दुख आया बोल के आँख टूटने वाला रोना नहीं चाहिए, सुख आया बोल के मुँह फाड़ने वाला हंसना नहीं चाहिए। इसका साथ संघर्ष करो और दिन और रात चलते रहो। वो वाह वो वाह। चलो चलो अभी हम दूसरी लोकेशन पर जाएंगे, तो अभी यहाँ पर ख़त्म करते हो। और ये ब्लॉग अगर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो ये दोनों पार्ट में आएगा, पार्ट वन पार्ट टू। तो हमको पता नहीं ये कौन से पार्ट में आएगा, ये पार्ट वन या पार्ट टू, अब देख लेना ठीक है। अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो ये दोनों पार्ट में आ जाएगा, ठीक है ना? तो अभी जाएंगे दूसरी लोकेशन पर, तो ब्लॉग को कंटिन्यू करना, मिलते हैं थोड़ी देर बाद अभी दूसरी लोकेशन पर जाके। পাখিরে বড় বেশি পাখিরে পাখি তোরে ভালোবাসি।